आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देखेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आज हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है इसे हम आज देखेंगे। अ नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स, अ नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स, अ नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स, अ नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। अ नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। एक ऐसा नंबर जो दो या दो से ज्यादा संख्याओं को डिवाइड करे उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। उन सभी दिए हुए नंबर्स का या उन सभी दिए हुए संख्याओं का कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो उन सभी दिए हुए संख्याओं को डिवाइड करे। अ नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 18। ये जो दो दिए हुए नंबर्स हैं हमारे पास 15 और 18 यानी 15 और 18, इनका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 15 = 15 × 1। जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो उसके पहले हमें उन दोनों दिए हुए नंबर्स का फैक्टर निकालना होगा। तो 15 = 15 × 1, 15 का फैक्टर निकालेंगे 3 × 5। सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 15 आर, 15 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हुए 1, 3, 5 एंड 15। ये जो है 15 के फैक्टर्स हुए। अब हमें 18 का फैक्टर्स निकालना है। 18 = 18 × 1, 18 = 6 × 3, 18 = 9 × 2। तो या दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसे हमें लिखना होगा। इसका फैक्टर्स निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमने इसे जितने तरीकों से हम लिख सकते हैं उसे हमने लिखा। इसके बाद अब हम इसे इसके फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 18 आर, 18 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर होंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, ये जो है सभी 18 के फैक्टर्स हुए। अब हमें देखना है कौन से वो फैक्टर्स हैं जो 18 में और 15 में, 15 के और 18 के फैक्टर्स में कौन से वे फैक्टर हैं जो कॉमन है, कॉमन मीन्स जो दोनों में ही हों। आप देखें 15 के फैक्टर्स में 1, 3, 5, 15, 18 के फैक्टर्स में 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब आप देखें 1 जो है ये फैक्टर दोनों में है, फिर आप देखें 3 15 के फैक्टर्स में भी है और 3 यहाँ 18 के फैक्टर्स में भी है। इसके बाद और कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो कॉमन जो दोनों में है उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 18 आर 1 एंड 3। ये जो 1 और 3 हुए वो 15 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हुए। तो इस तरह से आप कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं।
चलिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वह है कॉमन मल्टीपल्स। यहां देखेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? अ नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, अ नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर गिवेन नंबर्स। अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर गिवेन नंबर्स इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवेन नंबर्स, इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवेन नंबर्स। कॉमन मल्टीपल्स, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर गिवेन नंबर्स इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवेन नंबर्स। कहने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो दो या दो से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो या डिविजिबल हो, उसे हम उन दोनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल या दो से ज्यादा संख्याओं का कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मल्टीपल, सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 50 निकालते हैं। यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 15 क्या होगा? हमने कहा नेचुरल नंबर के सेट के एवरी एलिमेंट से यदि 15 को हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो 15 के सभी मल्टीपल्स निकलते चले जाएंगे। तो 15 के जो मल्टीपल्स होंगे वो होंगे 15 into 1, यानी 15 into 2 करने से 30, 3, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 45, 4 से मल्टीप्लाई करने से 60, इसके बाद 75, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, इसके बाद कंटिन्यूसली आप नेचुरल नंबर के सेट के एवरी एलिमेंट से जब इसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपको जो मल्टीपल्स मिलेंगे वो 105, 120, 135, 150, 165, 180, 180 एंड सो ऑन। इस तरह से मल्टीपल्स निकलते चले जाएंगे। इसके बाद अब मल्टीपल्स ऑफ 18 निकालें। मल्टीपल्स ऑफ 18 फिर हम नेचुरल नंबर के सेट के एवरी एलिमेंट से 18 को मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो मल्टीपल्स ऑफ 18 निकलते हुए जाएगा। 18 into 1 दैट इज 18, 18 into 2 36, 18 into 3 करेंगे 54, 18 into 4 करेंगे 72, 18 into 5 90, इसके बाद आपको 108, 126, इसके बाद 144, 162, 180 एंड सो ऑन। इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएं नेचुरल नंबर के सेट के एवरी एलिमेंट से 18 को, तो जितने भी मल्टीपल्स हैं 18 के वो निकलते चले जाएंगे एंड सो ऑन। अब आप देखें मल्टीपल्स ऑफ 15 और मल्टीपल्स ऑफ 18 में कौन कौन मल्टीपल्स कॉमन है। सबसे पहले आप यहाँ देखें 90, ये एक मल्टीपल है और यहाँ एक 90, ये कॉमन है, बाकी इधर कोई कॉमन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट में आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे 180, 180, यहाँ पे ये जो है एक मल्टीपल कॉमन है। तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल्स जो कॉमन है उसे निकाल सकते हैं। देयरफॉर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ Therefore, the common multiples of 15 and 18 are 90, 180 and so on. And so on लिखने का मतलब है, therefore the common multiples of 15 and 18 are 90 and 180 and so on. कहने का मतलब है कि 90 और 180 के बाद भी आपको और भी मल्टीपल्स जो हैं मिलते चले जाएंगे इसी तरह से। तो इस तरह से आप कॉमन मल्टीपल्स को निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए हम यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 64। हम यहाँ 30 और 64 का जो है कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं।
हम सॉल्व करते हैं, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 64। सबसे पहले हम 30 का कॉमन, 30 का फैक्टर्स निकालेंगे। 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 2। आप दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, इन ऑल पॉसिबल वेज, देख जितने तरीके हैं उसे, उस तरह से आप इसे लिखें। 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 2, 30 इज इक्वल टू 30 इंटू 1, 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 एंड 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3। और कोई भी तरीका नहीं है कि 30 को हम दो संख्याओं के, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकें। ये जितने भी तरीके हैं उससे हमने इसे लिख दिया। अब आप देखें इनके फैक्टर्स को जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ लिखते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 30, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30, या फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू, आप देखें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, इसके बाद 10, इसके बाद 15 एंड आपको 30। ये जो है फैक्टर्स ऑफ 30 हो गए। अब फैक्टर्स ऑफ 64, फिर 64 को हम दो या दो से दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में, इन ऑल पॉसिबल वेज हम इसे लिखेंगे ताकि इसके फैक्टर्स को हम निकाल सकें। सो 64 इज इक्वल टू 64 इंटू 1, 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 32, 64 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 एंड 64 इज इक्वल टू 8 इंटू 8। ये जो है हमने दो संख्याओं के या दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, और इसे दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में लिखने का कोई और भी तरीका नहीं है, इसलिए अब इसके हम फैक्टर्स को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब इसके सभी फैक्टर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 64 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आप, सबसे पहले 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64. 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64। अब आप इन फैक्टर्स में देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। कॉमन यानी जो 30 के फैक्टर्स में भी हैं और जो 64 के फैक्टर्स में भी हैं। सबसे पहले आप देखें 1, यहाँ देखें 1 जो दोनों में ही है, आप देखें 2 और 2 जो दोनों में ही है, इसके बाद और भी कोई फैक्टर्स जो है आप देखें कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं है। सो आप कह सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 64 आर 1, 2। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 64 1 एंड 2, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, यानी 4 एंड 6 का जो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है उसे हम निकालते हैं। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ। सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ फोर हम क्या कैसे निकालेंगे। फोर के नेचुरल नंबर के सेट के एवरी एलिमेंट से हम फोर को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और फोर के सभी मल्टीपल्स जो है वो निकलते चले जाएंगे। सबसे पहले 4 into 1 is equal to 4, 4 into 2 is equal to 8, 4 into 3 is equal to 12, 4 into 4 is equal to 16, 4 into 5 is equal to 20, 4 into 6 is equal to 24, 4 into 7 is equal to 28, 4 into 8 is equal to 32, 4 into 9 is equal to 36। इसके बाद 4 into 10, 4 into 11 एंड सो ऑन, आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद देखें मल्टीपल्स ऑफ सिक्स, 6 into 1 is equal to 6, 6 into 2 आप करें इज इक्वल टू 12, 6 into 3 is equal to 18, 6 into 4 is equal to 24, 6 into 5 is equal to 30, 6 into 6 is equal to 36 and 6 into 7 42, 6 into
8 इज इक्वल टू 48। अब आप देखें फाइंड फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। अब देखें कि 4 के मल्टीपल्स में और 6 के मल्टीपल्स में इनिशियल से तीन कौन से ऐसे मल्टीपल्स है जो कॉमन है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ 4 यहाँ कॉमन नहीं है, इसके बाद 8 देखें नहीं है, 12 देखें सबसे पहले जो कॉमन है 12 यहाँ देखें 12 कॉमन है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 12 हुआ। इसके बाद अब आप देखें 16 नहीं है, 20 यहाँ देखें नहीं है, 24 जो है वो सेकंड कॉमन मल्टीपल हुआ जो दोनों में कॉमन है मल्टीपल्स। इसके बाद आप देखें 28 यहाँ नहीं है, 32 नहीं है, 36 जो है वो थर्ड कॉमन मल्टीपल हुआ जो दोनों में कॉमन है। सो 12, 24 एंड 36 आर फर्स्ट थ्री कॉमन, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, यानी 12, 24 एंड 36, ये तीनों जो है फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स हैं। इसके बाद और भी आगे जब मल्टीपल्स आप निकालेंगे उनमें और भी मल्टीपल्स कॉमन मिलते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 12, 24 एंड 36 हैं। तो इस तरह से आप कॉमन मल्टीपल्स को निकाल सकते हैं।